Guys, my name is Chetan Watts. Welcome to my YouTube channel Atulyam Groom. I welcome you all once again. Today I am standing banged on National Highway 334B as you can see at my back. और आज इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूँगा. उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको बाद में बताऊँगा. बिफोर टॉकिंग मच अबाउट प्रोजेक्ट आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ. तो आज बात कर रहे हैं सोनीपत की एंड जो बिल्डर रहने वाला है नन अदर देन एलडी को जो है हमारे बिल्डर रहने वाला है. इस प्रोजेक्ट के बारे में मैं थोड़ा बाद में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है. लेकिन मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा सोनीपत के बारे में, वाई यू शुड इन्वेस्ट इन सोनीपत, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है. सो आज सोनीपत में इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं डाउन द लाइन. देखिए, 3 साल पहले आपको सोनीपत में ज़्यादा मौके मिलते नहीं थे इन्वेस्टमेंट करने के, अपॉर्चुनिटीज़ थी नहीं, बिकॉज यहाँ से कनेक्टिविटी की थोड़ा इशू आता था. एज ऑन डेट अगर मैं बात करूँ सोनीपत में वाई टू इन्वेस्ट इन सोनीपत, फ्यू रीजन्स आपको बताना चाहता हूँ. तो शुरू में आपको बताना चाहूँगा, जो आप देख रहे हैं सोनीपत में जो कनेक्टिविटी है, बेसिकली वी आर स्टैंडिंग जस्ट नेक्स्ट टू एन एच हाईवे, नेशनल हाईवे 334B विच इज़ कनेक्टिंग मेरठ टू झज्जर, एंड वी आर ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम नेशनल हाईवे 44 विच इज़ कनेक्टिंग दिल्ली टू चंडीगढ़. एंड उसके अलावा अगर बात करें नेक्स्ट, अगर बात करूँ तो KMP कुंडली को जो है मानेसर से जो कनेक्ट करता है उसका अगर बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस आता है 5 से 6 किलोमीटर. मेजर USP क्या है सोनीपत की वो बताना चाहता हूँ. आज से पहले यहाँ मेट्रो कनेक्टिविटी नहीं थी. एज ऑन डेट अरविंद केजरीवाल ने जो है दिल्ली मेट्रो को कनेक्ट कर दिया सोनीपत से, MOU को अप्रूव कर दिया, विच इज़ कनेक्टिंग रिठाला, जो कि आपकी लाइन है दिल्ली से रिठाला वाली जो लाइन है उसको आगे कनेक्ट करेंगे सोनीपत नाथूपर इंडस्ट्रियल एरिया में. सेकेंडली, अर्बन एक्सटेंशन रोटिंग सोनीपत टू IGI एयरपोर्ट. आज से अगर पहले की बात करूँ डाउन द लाइन तो हमें एयरपोर्ट जाने में 3 से 4 घंटे लगते थे क्योंकि दिल्ली के पूरे ट्रैफिक कंजेशन को होकर हमें जाना पड़ता था. लेकिन एज ऑन डेट मैंने इसका जो आपका जो अर्बन एक्सटेंशन हाईवे है जो रोड्स बन रही हैं NHA के उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वेरी सून इट विल गोइंग टू ओपन. ऑलमोस्ट उसका काम कंप्लीट हो चुका है. अगर उसके अलावा मैं बात करूँ दिल्ली से मेरठ का RRTS का आपने जो है रीजनल रेल नेटवर्क देखा होगा, ऑलमोस्ट काम कंप्लीट हो चुका है. लाइक वाइज पानीपत से दिल्ली को कनेक्ट करेगा वही रीजनल नेटवर्क, सेकेंड लाइन उसकी दिल्ली से पानीपत की होने वाली है. एंड अगर और बात करूँ तो ये सारे एवेन्यूज़ इसको बनाते हैं जो इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोनीपत में बहुत ही अच्छा एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है. अब कमिंग टू द प्रोजेक्ट, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट मच अबाउट सोनीपत, सो आई एम टॉकिंग अबाउट LDCO अमाया एंड अमोर प्रोजेक्ट. LDCO अमाया फेज 1 इज कम्प्लीटली सोल्ड आउट. वी आर रिमेनिंग विद फ्यू विलाज इन दिस प्रोजेक्ट. एंड LDCO अमोर इट्स अ फेज 2 ऑफ दिस प्रोजेक्ट. सो टोटल 31 acre की टाउनशिप है एंड अप्रॉक्सीमेटली जो प्लॉट्स रहने वाले हैं दैट वुड बी नियर अबाउट 171 के हमारे पास नंबर ऑफ प्लॉट्स रहने वाले हैं एंड 53 आपको इसमें विलाज मिल जाएंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट LDCO अमोर. इसकी जो एंट्रेंस रहेगी बिल्कुल नेशनल हाईवे 334B से रहेगी, एज यू कैन सी एट माई लेफ्ट साइड राइट. एंड प्रोजेक्ट में क्या क्या रहने वाला थोड़ा सा बता देता हूँ आपको. यू विल फील अ ग्रीन लैंडस्केप व्यू फ्रॉम दिस अपार्टमेंट. यू विल हैव दैट फ्लावर्स एंड फ्लोना एक्सपोजर टू दिस अपार्टमेंट. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आपको यहाँ सारी लग्जरी अमेनिटीज मिल जाती हैं, जैसे कि क्लब हाउस, स्विमिंग पूल एंड प्ले किड्स प्ले एरिया, जिमनाजियम, इंडोर प्ले एरिया, स्टडी एरिया लाइक दैट. एंड प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो आप 105 स्क्वायर यार्ड से लेकर 142 स्क्वायर यार्ड तक यहाँ प्लॉट साइज होता है. एंड विलास की भी अगर बात करूँ तो 107 स्क्वायर यार्ड से 137 स्क्वायर यार्ड तक आपको यहाँ विला का साइज हम लोग कंस्ट्रक्ट करके देते हैं, फर्स्ट ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर को. एंड ऑन सेकेंड फ्लोर यू कैन ऑल्सो कंस्ट्रक्ट फ्यू रूम्स. तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोजेक्ट. एंड अगर मैं बात करूँ एज ऑन डेट सोनीपत के अंदर जो बहुत अच्छे अच्छे बिल्डर्स आ चुके हैं, गोदरेज इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन सोनीपत एंड ऑलरेडी हीरो होम्स हैज टेकन द लैंड इन सोनीपत सेक्टर 34 विच इज सून गोइंग टू कंस्ट्रक्ट प्लॉट्स हियर अगेन आफ्टर गुड़गांव. एंड और अगर बात करूँ किसी भी अपार्टमेंट को या किसी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रन करने के लिए USPs जो होती हैं बेसिकली हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए, एजुकेशन, इंडस्ट्रीज एंड उसके अलावा अगर बात करें आपका जो मेडिकल जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको आज सोनीपत में मिलती हैं. जस्ट वेरी क्लोज टू दिस प्रोजेक्ट यू कैन सी अ एक्सपोजर ऑफ अ ग्लोबल जिंदल ग्लोबल सिटी, जहाँ पे प्राइसिंग 1.25 लाख रुपए की प्राइसिंग रहती है. एंड आप देख सकते हैं वहाँ पे जो प्लॉट साइज भी थोड़े से बड़े रहते हैं, आपको यूजुअली 5 से 2 हज़ार के आसपास साइज मिलता है प्लॉट का. एंड इट्स अ बिग टाउनशिप अराउंड 350 acres की. वेर इन अगर इसकी बात करूँ LDCO की तो ये बजटिंग प्लॉट्स हैं एंड एवरी वन कैन बाय दिस प्लॉट्स बिकॉज क्योंकि इसकी जो प्राइसिंग रहने वाली है दैट इज समवेयर अराउंड 71,000 to 81,000 एज पर द लोकेशन ऑफ द प्लॉट्स. द बेस्ट द लोकेशन द बेस्ट द प्राइस. सो ये आपका कंप्लीट जो है प्रोजेक्ट रहने वाला है. एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड एंड लुकिंग फॉर प्रॉपर्टी दैट टू
दिल्ली NCR बेस्ट लोकेशन. यू कैन गिव मी अ कॉल ऑन अ हाईलाइटेड नंबर. देन इफ यू वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब देन प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक. एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड क्वेरीज यू कैन रेज द क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स. आई विल रिवर्ट एज सून एज पॉसिबल. एंड इफ यू वॉचिंग मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टा देन प्लीज फॉलो अस. आई कीप ऑन पोस्टिंग सच वीडियोज विच विल एनहांस योर नॉलेज रिलेटेड टू रियल एस्टेट एज वेल एज आई कम अप विद अ प्रोजेक्ट्स विच आर रियली गुड टू इन्वेस्ट विद. थैंक यू सो मच वॉचिंग मी on YouTube again. Thank you. My name is Chetan Vats.